हेलो माय फ्रेंड्स, मैं शशांक वंस अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस सेल का आप सभी इंतजार कर रहे थे इस महीने में, फ्लिपकार्ट की द क्रिसमस सेल 2021, वो ऑफिशियली और ऑफिशियल डेट उसका आ चुका है सेल का रूमर्स के थ्रू। और रही बात मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि किस बैंक का आपको इसमें देखने को मिलेगा बैंक ऑफर, वो डेबिट पे होगा या क्रेडिट पे होगा, क्रेडिट पे ही होगा तो क्या करना है, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे कि अगर आपको एक दिन पहले ये सेल का अगर आपको आनंद उठाना है, अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और लास्ट में ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा मेरे भाई जो कि आपको कोई नहीं बताएगा कि इस सेल से बेहतर क्या होने वाला है। अगर आपको ये सेल छोड़ के अगर आपको जनवरी की रिपब्लिक डे जो आती है, आपको पता है रिपब्लिक डे सेल काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या इससे बेहतर होती है या नहीं होती, सब कुछ पे बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये अभी भी पता कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट पे और कौन कौन सी सेल आ सकती है इस दिसंबर महीने में या क्या आ गई है और आने वाली है, तो ये रहा कंप्लीट वीडियो, जाके देखिए, बहुत प्यारी वीडियो है। मुझे कुछ बोलना नहीं है, इस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पहले मिल जाएगी। रही बात मुद्दे पे आते हैं, देखिए आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, फ्लिपकार्ट की क्रिसमस सेल और फ्लिपकार्ट की द बिग सेविंग डेज दिसंबर महीने की, ये दोनों एक ही सेल है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने बता दी, कहने का मतलब ये क्रिसमस सेल के नाम से कोई सेल आती नहीं है, और जो आती है भाई यही आपको क्या नाम है बिग सेविंग डेज आपको मिलती है। अगर वो नाम लिख भी देंगे तो कुछ भी बड़ा ऑफर नहीं मिलता। तो कहने का मतलब आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि भाई बिग सेविंग डेज आने वाली है तो क्रिसमस कब आएंगे, नहीं, यही वो सेल है और यही आपको कुछ ठीक ठाक डिस्काउंट देके जाएगी। तो आप बात कर लेते हैं द बिग सेविंग डेज या फ्लिपकार्ट की क्रिसमस सेल डेट की, सेल डेट की बात कर लेते हैं। तो ये 16 दिसंबर मतलब कि थर्सडे से स्टार्ट होगी और ये पूरे चलने वाली है 21 ट्यूसडे तक, मतलब 6 डे तक ये सेल चलने वाली है। ध्यान से आप अगर इस चीज को अगर सुन रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। रही बात अगर आप मुझसे पूछे कि एक दिन पहले इस सेल का आनंद कैसे उठा सकते हैं, तो अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो एक दिन के पहले आपको मतलब 24 आवर्स पहले एक्सेस मिलेगा, मतलब आप इस सेल का आनंद उठा पाएंगे। मतलब 15 मतलब तब आपके लिए वेडनेसडे से स्टार्ट होगी, ट्यूसडे तक चलेगी, मतलब पूरे पूरे आपको क्या नाम है 7 दिन तक चलेगी। तो ये आपको समझना है, तो ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर ऑफर्स आप फायदा उठा पाओगे। रही बात आप कैसे बन सकते हैं फ्लिपकार्ट मेंबर्स, आप क्या नाम है खरीद नहीं सकते प्लस मेंबर, आपको जाके चेक करना पड़ता है ऊपर, जब आप टैप करेंगे ऐप के ऊपर लिखा रहता है। तो आप अगर आप जनरल शॉपिंग करते हैं, हमेशा शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से, तो ऑटोमेटिकली आप बन जाते हैं एक फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर। खरीद तो नहीं सकते, आपको 200 कॉइन कलेक्ट करने पड़ते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एक साल में अगर आपके 200 कॉइन है जो कि आपको फ्लिपकार्ट देता है तो आप बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। रही बात किस बैंक का बैंक ऑफर आने वाला है, तो देखिए एसबीआई का बैंक ऑफर आने वाला है। तो एसबीआई के डेबिट कार्ड पे नहीं, खाली क्रेडिट कार्ड पे, जो कि एक मेरे हिसाब से अमेजिंग न्यूज नहीं है, ना कि वो हैप्पी न्यूज है। क्यों? क्योंकि सभी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं हो सकता, वी ऑल नो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पे आया हुआ है जो कि मेरे हिसाब से उतना सही नहीं है, ठीक है। एसबीआई का क्रेडिट कार्ड काफी लोगों के पास होता है, तो देख लीजिए अगर किसी रिलेटिव्स के पास आपके हैं, किसी चाचा मामा काका या कोई भी अंकल, तो उनसे आप मतलब उनके कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। रही बात अगर आप मुझसे पूछे कि एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पे ऑफर कितना रहेगा, तो देखिए आपको लिख के दे सकता हूं 1000 से ज्यादा आप उम्मीद मत रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं मोबाइल्स पे, ज्यादातर स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूं, 750 से लेके 1000 उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मुझे पता है, इतने सालों से मैं सेल को देख भी रहा हूं। रही बात होम अप्लायंस पे शायद 250 ज्यादा रहे, बट यही रहेगा, ये बात जान लीजिए, कोई ज्यादा बड़ा डिस्काउंट नहीं होने वाला। एट लास्ट बात कर लेते हैं कि भाई ये क्रिसमस सेल या बिग सेविंग डेज कितनी बड़ी सेल होती है, तो उस पे स्पेसिफिकली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है,
चाहे तो देख लीजिए, ये दिख रहा है, जाके जरूर देखिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। भाई थोड़ा समय दे दीजिए। तो मैंने बड़ी प्यार से वो वीडियो बनाया जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, उसका सेकंड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड लिंक में मिल जाएगा। वैसे मैं एक सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल सेंटेंस में बता देता हूं, ये देखिए, अगर आप वेट नहीं कर सकते हो, एकदम आपको लेना ही लेना है, किसी को गिफ्ट देना ही देना है, तो भाई ले लो बिग सेवन डेज, एक ठीक ठाक सेल होती है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक से थोड़ी अच्छी होती है। अरे ये बात, अगर वेट कर सकते हो तो आपको रिपब्लिक डे सेल का वेट करना चाहिए जो कि जनवरी में ही आती है, लेकिन मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पिछले साल कुछ खास बहुत बड़ी सेल नहीं थी, लेकिन हाँ एक कन्फर्म था, इससे बेहतर होती है, मतलब जो क्रिसमस सेल है या बिग सेवन डेज है उससे और बेहतर होती है। तो वही वाली बात है, अगर आप वेट कर सकते हो, क्योंकि आपके मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब समझते हैं पश्चाताप, अरे यार अगर रुके होते तो ये हो जाता, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बहुत एलोबरेट करके समझा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो हमारे प्रोटेक्ट फैमिली को ज्वाइन करिए। कुछ आवाज अभी भी खराब है, लेकिन लेट्स सी, अच्छी हो जाएगी जल्दी। और अगर हो सकेगा तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आपको पता है इस कोविड में नया वेरिएंट आ रहा है, प्रेयर करिए जिस भी भगवान को आप मानते हैं कि ये वेरिएंट ना इंडिया में, और आए भी तो उसका इफेक्ट ज्यादा ना हो, थर्ड वेव ना आए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू सो मच।